चैनल ताज़ा सफ़र। दोस्तों आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा व्लॉग जो कि है चेरापुंजी मेघालय का। तो दोस्तों यहाँ ईयर के 365 डेज़ बारिश होती है और बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ घूमने की। तो शुरू करते हैं इस व्लॉग को हर महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव। सो चेरापुंजी में हमने बुक किया था होटल लेबाना जो कि शोहरा रोड पर ही है। सो इस होटल की खास बात ये है दोस्तों कि यहाँ से बालकनी का व्यू आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मिलेगा। चेरापुंजी सिटी देखने को मिल जाएगी और यहाँ का जो व्यू है ना वो हो वो तो देखते ही बनता है दोस्तों। तो आइए दिखाती हूँ यहाँ के रूम्स, वो भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे और बहुत ही सुंदर रूम्स हैं। सो दोस्तों ये देखिए, इन्होंने कर्टन्स वगैरह लगा रखे हैं जिससे आप रूम से ही बाहर का व्यू देख सकते हो। सो दोस्तों अभी हम मूव कर रहे हैं सेवन सिस्टर फॉल की तरफ और सेवन सिस्टर पॉइंट की तरफ। माना जाता है इस पॉइंट को कि ये जो सेवन हमारी सिस्टर है ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट की, ये उसको रिजेंबल करता है। और सो दोस्तों मेरे पीछे है बहुत ही ब्रीथ टेकिंग व्यू, मतलब कैन ड्रिंक फॉल। इतना सुंदर फॉल मैंने आज तक नहीं देखा दोस्तों, और शायद आपने भी नहीं देखा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये फॉल। सो दोस्तों थगारंगा पार्क के पास ही शौरा सिंगा रोड पे आप देखोगे ये प्यारा सा वाटरफॉल, केंद्रिम वाटरफॉल, जो कि बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है। और ये इतना लंबा है ना, मतलब आप देख सकते हो कितनी ऊंचाई से गिर रहा है ये। यहाँ पे आप बहुत मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, बहुत ही गुड टाइम स्पेंड कर सकते हो। और हम लोग तो बल्कि वाटरफॉल के नीचे तक गए थे, तो चलिए दिखाती हूँ आपको दृश्य कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल के नीचे और देखते हैं यहाँ से हमें क्या क्या व्यू दिखता है। सो दोस्तों झरने तक पहुंचने के लिए आपको थोड़े पत्थर वगैरह चढ़कर आने पड़ेंगे। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, जूते चप्पल बाहर ही उतार दीजिएगा और उसके बाद आप जो है इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। सो दोस्तों क्या आपको पता है आप चेरापुंजी से बांग्लादेश का व्यू देख सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, तो चेरापुंजी में शोरा रोड पे है ये पॉइंट जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ बांग्लादेश। और ये देखिए ये पूरा बांग्लादेश का व्यू है और ये यहाँ पे नेशनल हाईवे है बांग्लादेश का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से, और शोरा रोड पे ही है थंगारक पार्क जहाँ पे अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं। ये इसका एंट्री गेट है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं थंगारंग पार्क में और आइए देखते हैं इस पार्क में क्या है। मेघालय के जितने भी स्पॉट्स हैं वैसे तो सारे बहुत सुंदर हैं, तो ये पार्क भी बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। तो चलिए एंट्री करते हैं। सो पार्क के बाहर ही कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे है व्हीकल की पार्किंग और ये है एंट्री थंगारंग पार्क की। और यहाँ के टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक हैं और व्हीकल की एंट्री अंदर नहीं होती है, पार्किंग बाहर ही है। और यहाँ पे आपको कटवानी पड़ेगी टिकट, जिसके जो चार्जेस हैं वो 20 रुपीज़ पर पर्सन है। तरह की एंट्री टिकट है 20 रुपीज़। और यहाँ से शुरू होती है थंगारंग पार्क की एंट्री। वैसे तो दोस्तों इस पार्क में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब आप लोग बच्चों के साथ यहाँ आओ तो थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे झूले वगैरह हैं जिसमें वो लोग खेल कूद सकते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आकर आप झूला वगैरह झूल सकते हैं, कुछ इस तरह अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर सकते हैं। पार्क में ही एक सेल्फ़ी पॉइंट है जहाँ से आप जो है सेल्फ़ी वगैरह जब क्लिक करते हैं ना तो पीछे का पूरा वाटरफॉल का व्यू आता है। और यहाँ पे जो है आप लोग पिक्स वगैरह क्लिक कराने और प्री वेडिंग शूट करने के हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये पार्क। सो दोस्तों हम आ चुके हैं सेवन सिस्टर फॉल्स और सेवन सिस्टर व्यू पॉइंट पर, और इसे चेरापुंजी की चेरापुंजी का मेन पॉइंट कहा जाता है। और जो सेवन सिस्टर्स हैं वो रिजेंबल करती हैं अपनी सेवन नॉर्थ स्टेट्स को। तो आइए देखते हैं इस पॉइंट को। और दोस्तों ये है अपना सेवन सिस्टर फॉल्स,
कहते हैं ये सातों के सातों झरने जो हैं अपने सेवन नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं ना उसको रिजेंबल करते हैं। सो दोस्तों, मेघालय को पर्वतों और झरनों की भूमि कहा जाता है और चेरापुंजी तो ऐसी जगह है जहाँ पे साल के 365 दिन बारिश होती है। तो दोस्तों, ज़रा खूबसूरती देखिए इन सेवन सिस्टर फॉल्स की। इनकी खूबसूरती को देखकर आपको नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों की खूबसूरती का पता चलेगा। कुदरत कितनी खूबसूरत है, ज़रा घर से बाहर निकलिए और ज़रा देखिए इस खूबसूरती को, आनंद उठाइए इस खूबसूरती का। तो इस खूबसूरती को अपनी आंखों में समेट के चलिए बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, मेरे पीछे सेवन सिस्टर फॉल है और ये बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा दृश्य है यहाँ का। तो अगर आप चेरापुंजी आते हैं तो इस वाले पॉइंट को मिस बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद हम जा रहे हैं मौसामी केव में। दोस्तों, सुना है बहुत सुंदर है ये और ये है इसका एंट्री पॉइंट। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मौसामी केव में और देखते हैं यहाँ पे क्या है। सुना है काफ़ी अच्छी गुफाएँ हैं और दिखाती हूँ मैं इसकी एंट्री। मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है पार्किंग व्हीकल्स की, और व्हीकल पार्क करने के बाद यहाँ से आपको पैदल ही जाना है। ये देखिए, वेलकम टू मौसामी केव, और यहाँ से आपको एंट्री करनी है। और कुछ इस तरह की टिकट लगती है जिसके जो चार्जेस हैं 30 रुपीज़ पर पर्सन हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इन प्यारी सी गुफाओं को देखने। और ये हैं कुछ आलसी लोग जिन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत। एक बार शक्ल दिखाना सर। सर, आपको इतनी दिक्कत क्यों होती है सीढ़ियाँ चढ़ने में? मेरे को नहीं है। और यहाँ से है एंट्री मौसामी केव की। दोस्तों, एक बात कहूँ, मैं जब भी गुफाओं को देखती हूँ, नेचर को देखती हूँ, तो मुझे भोलेनाथ का स्मरण हो जाता है। ऐसा लगता है शायद भोलेनाथ इन गुफाओं में कहीं बैठे होंगे, इन पहाड़ों पे कहीं बैठे होंगे। और वैसे तो गुफाओं में लाइट वगैरह का पूरा इंतज़ाम है, पर कहीं कहीं आपको थोड़ा सा अंधेरा मिलेगा, तो डरिएगा नहीं। और दोस्तों, गुफाएं हैं तो एक जैसा रास्ता तो मिलेगा नहीं। ये देखिए कितना संकरा रास्ता आ चुका है, मतलब बिल्कुल छोटी सी गुफा है और आपको थोड़ा सा लेट कर और थोड़ा सा झुक कर आगे बढ़ना होगा। और घबराइएगा नहीं, चाहे कितने भी मोटे हो आप निकल जाओगे आराम से। और फाइनली झुकते झुकाते चलते हुए हम एंड पॉइंट पे पहुँच गए हैं केव के। यहाँ से आपको ऊपर आसमान दिखेगा और नीचे गुफाएँ दिखेंगी। तो दोस्तों, देखा आपने मेरे साथ मौसामी केव, ये कितनी अच्छी और कितनी प्यारी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम जंगलों के बीच में आ गए हैं। तो आइए यहाँ पे और आनंद उठाइए इस जंगली व्यू का। सर, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहती हूँ, आप इतने आलसी क्यों हो? देखिए दोस्तों, इनको इतना आलस आ रहा है कि ये बोल भी नहीं पा रहे। सर, आपको 10 रुपये मिलेंगे बोलने के, प्लीज बोलिए। नॉट इंटरेस्टेड। सो दोस्तों, चलिए मौसामी केव से बढ़ते हैं आगे। मौसामी केव के बाहर जो इन्होंने रास्ते वगैरह बना रखे हैं वो भी काफ़ी प्यारे हैं। आसपास जंगल है और बीच से इन्होंने रास्ता निकाला हुआ है। काफ़ी पीसफुल और काफ़ी आनंदमय इन्वायरमेंट है यहाँ का। और यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आप लोग यहाँ पे पिक्स वगैरह क्लिक करा सकते हैं, जिसके जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक हैं। मतलब देखो, काफी प्यारा लगता है। हाय हाय। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इको पार्क में। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं इको पार्क में क्या क्या है यहाँ पे। सो यहाँ से है इको पार्क की एंट्री, और इको पार्क की एंट्री के जो चार्जेस हैं वो हैं ₹20 पर पर्सन। सो दोस्तों, इको पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो सेवन सिस्टर फॉल आपने देखा था ना, वो सेवन सिस्टर फॉल इसके बिल्कुल किनारे से ही निकलते हैं। ये जो एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट से सेवन सिस्टर फॉल नीचे बहते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत अम्यूजमेंट एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम आए हैं नोहालिका फॉल्स, और चलिए देखते हैं। सुना है ये फॉल भी बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा है। सो दोस्तों, नोहालिका फॉल व्यू पॉइंट के आसपास काफ़ी प्यारी प्यारी शॉप्स हैं जहाँ से आप जो है यूनिक चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं जो कि सिर्फ मेघालय में मिलती हैं, और काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी काफ़ी फेमस है और हैंडीक्राफ्ट क्लॉथ्स वगैरह भी ले सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज़ दी नोहालिका फॉल्स। ये देखिए कितना नोहालिका फॉल्स, एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल ब्यूटी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस फॉल। ये देखिए
वाओ। एक बड़ी प्यारी सी लाइन याद आ रही है, कहते हैं, बहता सा झरना, ठहरा सा लम्हा, एक छोटा पुल, धुंधलाता नजारा, रुकती हुई बातें, थकती सी सांसें, आओ कुछ देर बैठें इस मंजर पर और ताके फिसलता लम्हों का झरना। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हो नुहालिकाई फॉल्स, ये बहुत सुंदर है दोस्तों। अगर आप डबल टेकर लेके 3500 स्टेप्स डाउन जाते हो तो आप इस फॉल के बिल्कुल करीब भी पहुंच सकते हो। ये देखिए, और इसका पानी बिल्कुल ग्रीन कलर का है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अरवा केव में और चलिए देखते हैं यहाँ की केव्स कैसी हैं। और अरवा केव की एंट्री फीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन और यहाँ से आपको टिकट कटवानी पड़ेगी। और अरवा केव जाने के लिए कम से कम आपको 300-400 मीटर पैदल चलना होगा और ये रास्ते काफ़ी प्यारे बने हैं, बिल्कुल पहाड़ों को काट कर बने हैं, तो काफ़ी मज़े आ रहे हैं इन रास्तों पे। तो इस ट्रैक पे हम अभी चले ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है केव के लिए भी ट्रैक करना पड़ रहा है। देख लो बाहर से। और फाइनली चलते चलते हम पहुंच गए हैं एंट्री गेट पे, जहां से हमारी जो केव्स हैं वो स्टार्ट होती हैं। सो दोस्तों, इन गुफाओं में आपको मछली के आकार की और शंख के आकार की बहुत सारे पत्थर मिल जाएंगे देखने को। गुफा में ही बने हुए पत्थर दिखेंगे इस आकृति के। और ये देखिए, काफ़ी लंबी गुफा है ये। और गुफा में कई जगह पानी बहता हुआ भी आपको मिल जाएगा। ये सारा प्राकृतिक खेल है दोस्तों, गुफा भी पत्थर की है और पत्थरों से निकलता हुआ पानी। और ये है लास्ट पॉइंट गुफा का दोस्तों, मतलब प्रकृति में अगर आप घर से बाहर निकल के प्रकृति को देखते हैं ना, बहुत सुंदर है दोस्तों। पत्थरों से बनी हुई ये गुफाएं और नीचे जो है पानी बहता हुआ और बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ आती, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी बहता हुआ दोस्तों। दोस्तों, अभी हम हैं केव के अंदर और थोड़ी सी सफोकेशन फील होती है यहाँ पे, तो लंबी लंबी सांस लें। और बाकी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी थोड़ी पानी की आवाज़ और ऐसे पहाड़ों के बीच से निकलते हुए बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और इसके बाद हम गए डबल डेकर ट्रैक पे दोस्तों। डबल डेकर ट्रैक करने के लिए आपको 3500 स्टेप्स नीचे उतरना पड़ेगा और आपको दिखेगा डबल डेकर, यानी डबल जो है रूट के लाइव रूट से बने हुए ब्रिज दिखेंगे और बहुत ही प्यारा व्यू दिखेगा आपको झरने का। तो दोस्तों, इसके लिए अप्रॉक्स 6-7 आवर्स आपको स्पेंड करने पड़ेंगे इन अ डे, और आपको थोड़ी सी थकान भी हो जाएगी, बट यकीन मानिए जब आपको व्यू दिखेगा ना तो वो बिल्कुल वर्थ है। और रास्ते के नज़ारे भी बहुत प्यारे और बहुत सुंदर हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग हैं उमेम लेक पे। उमेम लेक के जो टाइमिंग्स हैं वो हैं मॉर्निंग में 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। अभी बज चुके हैं शाम के 5:20, जिसकी वजह से हम लोगों ने नीचे जाके उमेम लेक का व्यू मिस कर दिया। बट अगर मैं ऊपर से भी आपको दिखाऊँ तो इसका व्यू बहुत सुंदर है और इसमें बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं दोस्तों। बोटिंग वगैरह के चार्जेस मैं आपको बता दूंगी और लिंक वगैरह भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो फिलहाल दोस्तों, मैं आपको यहाँ का लुक दिखाती हूँ। शाम के 5:20 पे यहाँ पे देखो जो सन है वो डाउन हो रहा है और बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो उमेम लेक है वो शिलोंग से गुवाहाटी की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ता है और बहुत ही अच्छा व्यू है इसका। तो आप लोग भी यहाँ पर आइए और इन्जॉय कीजिए। सो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उमेम लेक पे और हम आ चुके हैं बिल्कुल उमेम लेक के साइड में। जो मेन पॉइंट होता है ना, जहाँ से बोटिंग होती है, वो वाला पॉइंट जो है सुबह 9 बजे शुरू होता है और शाम के 5 बजे बंद हो जाता है। बट अगर आपको उमेम लेक के साइड में आना है, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो टाइम स्पेंड करने आते हैं और इवनिंग में दे आर स्पेंडिंग द टाइम, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ बिसाइड द लेक। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं इस प्यारी सी ग्रीन सी लेक को।
दोस्तों, मैं हूँ उमेम लेक पे और यहाँ पे काफ़ी शांति है। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे लेक का व्यू बहुत ही सुंदर हुआ पड़ा है इवनिंग के टाइम पे, और बहुत ही कम लोग हैं फिलहाल इस वक्त यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोटिंग करने जाते हैं और बोटिंग वाला पॉइंट सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे खुलता है और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 दोस्तों। तो बहुत अच्छा टाइम है, मतलब अगर आपको शांति भरा माहौल स्पेंड करना है इस लेक के साइड में तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत ही प्यारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और मूव करते हैं गुवाहाटी की तरफ और करते हैं माँ कामाख्या के दर्शन। सो दोस्तों, आई होप आपको मेघालय और यहाँ की जो भी व्यू पॉइंट्स थे वो बहुत अच्छे लगे होंगे। और यहाँ पे आप लोग कैसे पहुँच सकते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। आपको जो फ़्लाइट लेनी होगी वो शिलोंग के लिए लेनी होगी और शिलोंग से जो है आप लोग 30-35 किलोमीटर के बाद मेघालय पहुँच सकते हैं। मतलब शिलोंग से मेघालय की ही राजधानी है, मतलब जो व्यू पॉइंट्स हैं वहाँ पर। उसके अलावा दोस्तों, स्टे वगैरह मैंने आपको दिखा ही दिया है और अगर आपको और भी सस्ते स्टे लेने हैं तो वो भी आप लोग बुक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अंडररेटेड टूरिस्ट प्लेस है। और कहते हैं कि अगर आपको पहाड़ और बालों के ऊपर पैर रखने ना तो मेघालय का ट्रिप ज़रूर कीजिए। तो बहुत सुंदर है दोस्तों, ज़रूर आइए यहाँ पर।